हेलो गाइस, मेरा नाम सनी और आप देख रहे हैं सनी गो ब्लॉग। आप लोग का मेरे सनी ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी आ गए पटना जंक्शन और अभी बजने वाला है 6। तो दानापुर टाटा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रहा है। ले चढ़ो रोहन। अरे भाई चढ़ो, इसी में जाना है, जल्दी जल्दी चढ़ो। ट्रेन में इतना भीड़ भाई, गजब गजब मजा आ गया। ट्रेन में हम लोग का टिकट है बट बैठने का जगह नहीं मिला, पूरा फुल जाम है भाई। फोन हम दे दिए मम्मी को रखने के लिए और हम लोग का ट्रेन रुका ही नहीं, मतलब ट्रेन रुका लेकिन उतर नहीं पाए। फिर लास्ट में कोई भैक्का मारा तब उतरे। बाप रे बाप, क्या रौनक, बहुत दिक्कत हुआ। हम तो कुदक के उतरे, ये भी कुदक के उतरे। ये हम लोग का मोकामा स्टेशन और यहाँ पर है चर्च, इधर ही जाना हम लोग को। अभी कैंडल ले लो, कैंडल ले। ये जो सामने चर्च है ये नया वाला चर्च है। मेरे पीछे दौड़ाएंगे, मैं हर समय जिसका जैसा मंत्र आता वो अपने हिसाब से आता है। यहाँ पर दिखा तुम, ये माला ले लिए है, अभी यहाँ से माला ले लिया है, अभी जाते हैं अंदर, उसमें आशीष दिलवा लेते हैं, उसके बाद पहनेंगे। ये जो छोटा सा तालाब है इसका भी एक धार्मिक महत्व है, यहाँ से माता मरियम का मूर्ति था, इसीलिए इस तालाब का बहुत इम्पोर्टेंस है हम लोग के लिए। तो आजकल ये भी देखते हैं कि जिसको विष मांगना होता वो अपना कागज में लिखता और विष को इस तालाब में मतलब डाल देता पानी में। देखिए सब कोई अपना विष लिख रहा है इस कागज में। हम लोग भी आ गए हैं यहाँ पर, तो देखिए सब कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अब मेरा बारी, अब हम भी कर लेते हैं। सब विष लिख रहा रौनक, सबका विष पूरा हो जाएगा। अच्छा यही तुम्हारा विष है कि सबका विष पूरा हो जाए, क्या बात है क्या बात है। रौनक इस साइड पाप स्वीकार हो रहा, अगर तुम पाप किए हो तो जाओ फादर के पास, अपना पाप स्वीकार करो कि फादर हम ये गलती एक्सेप्ट करो, ठीक है, तो तुम्हारा पाप भगवान माफ कर देंगे। करने आता है पाप स्वीकार, तो यहाँ है पाप स्वीकार का व्यवस्था। यहाँ जिसको संथाली में पाप स्वीकार करना है वो यहाँ कर सकते हैं, और जिसको इंग्लिश में करना है यहाँ कर सकते हैं, और मलयालम में भी पाप स्वीकार कर सकते हैं और हिंदी में भी पाप स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पाप स्वीकार करने का व्यवस्था है। तुमको भूख लगा था जी? भूख तो लगा है, भूख लगा तो हम लोग तो खाना लेके आए हैं, पूड़ी और पनीर, लेकिन यहाँ तुमको मिल जाएगा चाउमीन, दिस डैट, जो खाना खा लो। इधर पूरा खाने का व्यवस्था है, फ्री में नहीं है भाई, पैसा लगता है। सुबह 5 बजे उठ के अब पूड़ी और पनीर खाया, इसको भी भूखे लग गया। अभी बज रहा है कितना, 10 ही बज रहा है, इसको भूख लग गया, तो अब इसको यहाँ से बर्गर खिलाते हैं। अभी भैया एक बर्गर दे रही हो तो खा लिया जी, चला जाए, चलो। इधर भी रुकने का व्यवस्था है, कहाँ का लोग रुका है रुको अभी देखते हैं। भागलपुर पूर्णिया दुमका रायगंज, ये लगता हॉल, इसमें रुकने का व्यवस्था किया। अब सब कार देखो इधर पार्किंग है, देख रहा रौनक कितना कार लगा हुआ है। ये सब पूरे बिहार से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। अभी बस का तो लगता कहीं और पार्किंग दिया ना तो और भीड़ रहता। अभी ना खाया जी बर्गर, फिर लस्सी पिएगा तुम। लो रौनक पियो लस्सी। देखो क्या लिखा हुआ, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लग जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कर्मा पे बिलीव करो, जैसा तुम दूसरे के साथ करोगे वैसा लोग तुम्हारे साथ करोगे, इसलिए कर्मा पे सही होना चाहिए। इस साइड भी है तीर्थयात्री भवन, यहाँ पर बक्सर धर्म प्रांत का लोग रुका हुआ है और बेतिया धर्म प्रांत का, मतलब बक्सर और बेतिया का लोग यहाँ रुका हुआ है। उस साइड खाना बन रहा है भाई और इधर पूरा सबको खाना मिल रहा है, फ्री में खाना मिल रहा है। क्या रौनक, तुमको भूख लगा है तो खा लो, फ्री में मिल रहा है तो। देखो देखो क्या मिल रहा है, टोकन कटाना पड़ेगा भाई, फ्री में नहीं मिल रहा है। चलो 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 चलो। जिसका भी मनता होता है वो लोग जाते हैं ऐसे ही प्रभु के पास, भगवान के पास, अपनी प्रार्थना को लेके। अभी मम्मी लोग प्रेयर कर रही है, थोड़ा हम लोग इधर देख के आते हैं। क्या चीज देख के आते हैं? लाइन देख के आते हैं कितना बड़ा है। उस साइड से लाइन स्टार्ट होते 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 यहाँ आके सीधे फिर यहाँ जाके इंटर करेगा। बहुत लंबा लाइन है दर्शन के लिए भाई साहब। एक बार हम दादी के साथ लाइन में खड़े थे तो बहुत बड़ा लाइन था, तो दादी एक ही बात बोली थी, लाइन शुरू हुआ है तो खत्म होगा ही,
दर्शन हो गए। तो ये दादी का था एक बात जो कि मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो लाइन शुरू हुआ तो खत्म हो गई, दर्शन हो गए, तो टेंशन लेने वाला बात नहीं है। दादी लोग भी आई हुई है बड़ी मम्मी के साथ, वो लोग सुबह कार से निकल गए, हम लोग इधर ट्रेन से हैं। तो अभी दादी को भी खोजते हैं कहाँ है सब। तो अभी मेरे साथ दादी आ गए, अभी दादी से पूछते हैं फूल तालाब का कहानी। तो उसमें रानी रानी निकाली थी मूर्ति की अपने अपने कोई मैंने निकाला था उसको, मैंने कोई किया होगा हाथ। अच्छा, तो निकला तो पता चला कि हम लोग का मतलब माता मरियम का मूर्ति है। हाँ नहीं, तो जो राजा था ना, तो राजा को मैंने वो जो तो मिला ना उला कर दिया। मैंने तालाब से मिला है। तो राजा का जीत सब धर्म के लोग से, तो मतलब राजा सब धर्म का लोग को दिखाया कि तुम लोग का धर्म का है कि नहीं। हाँ, तो ईसाई के मतलब दिखाया फादर को जी बोले यहाँ। अच्छा, फादर को दिए दिया, तो फिर राजा पूरा जमीन ही डोनेट कर दिया। तो बोला किसको धाम बनाने के, मतलब तीर्थ बनाने के, सब लोग आए तीर्थ यात्रा। दादी अब कितना साल से आ रहे हैं? बहुत साल से, 22 साल से दादी आ रही है यहाँ यात्रा में। वाह सही। चलो अब खाने का टाइम आ गया भाई, पनीर है पूड़ी है, खाया जाए बढ़िया से बैठ के। तो इधर सब फैमिली लोग खाना खा रहे हैं, पप्पू लोग भी आ गए, इधर आराम से खाना खाते हैं फिर घूमते हैं। घूमते नहीं मतलब प्रेयर करते हैं। फाइनली दर्शन कंप्लीट हो गया, सभी दोस्त के लिए, सभी फैमिली के लिए, जिसको नहीं जानते उसके लिए भी, और पूरे दुनिया में सभी अजनबी के लिए लाइफ बढ़िया हो, सबका लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और क्या मतलब जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिल जाए, और जिसके लाइफ में प्रॉब्लम है उसके लाइफ में खुशी आ जाए, ये भगवान से मांग लिए हैं। आगे है ग्रेवयार्ड। हम लोग का ग्रेवयार्ड में एकदम डरने लगता है, एकदम डर ही नहीं लगता है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर जिसके भी फैमिली मेंबर कोई है या रिलेटिव है, अगर कोई यहाँ पर दफन है, वो यहाँ पर आके कैंडल जलाते हैं, प्रेयर करते हैं अपनों के लिए। तो एक पूरा ग्रेवयार्ड है यहाँ से वहाँ तक। तो अभी यात्रा निकल गया है, अभी हम लोग भी जाते हैं। ये हम लोग का कुर्जी पैरिस का है। अरे भाई गजब गजब ड्रोन उड़ा दिया भाई, गजब। सब अलग अलग धर्म प्रांत से ये निकला हुआ है माता मरियम का यात्रा। तो ये यात्रा अब खत्म हो गया है और समय समाप्ति की घोषणा हो गई, और अभी बज रहा है 3। हम लोग का ट्रेन है 5 बजे कामा से, और 7 बजे तक पटना स्टेशन पहुंच जाएंगे। रौनक का फोन का क्वालिटी एकदम खराब है, वीडियो क्वालिटी वीवो का फोन है, इसलिए यही वीडियो इन करते हैं, ज्यादा नहीं कुछ बोलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इफ यू लाइक द वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब सनी गो ब्लॉग करना।